हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। और इससे पहले दो वीडियो हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में बना चुके हैं, और ये राजस्थान की प्रमुख फसलें भाग तीन, जिसमें हम राजस्थान की गन्ना और कपास, इन दो फसलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो राजस्थान की प्रमुख फसलों का अध्ययन किया, तो उसमें गेहूं, बाजरा पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भाग दो जो हमने प्रमुख फसलों का बनाया, तो उसमें हम राजस्थान की मक्का और चावल, इन दो फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहां हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के भाग तीन में गन्ना और कपास, इन दो प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों ही जो फसलें हैं, ये राजस्थान में उगाई जाने वाली राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। हालांकि इनका उत्पादन दोनों का ही राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी राजस्थान में उगाई जाने वाली जो व्यापारिक फसलें हैं, उन व्यापारिक फसलों में ये दोनों ही मुख्य व्यापारिक फसलें हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके दोनों फसलों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ना की। तो गन्ना, जो कि राजस्थान में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, लेकिन राजस्थान में इस गन्ने का उत्पादन कम होता है। और गन्ना की यदि हम बात करें, तो गन्ना के लिए भौगोलिक दशाएं, तो जैसा कि लिखा हुआ है, गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, अर्थात गन्ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पैदा किया जाता है, और इसीलिए इसके लिए जो तापमान है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए आदर्श होता है। तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान गन्ने की फसल उगाने के लिए आदर्श माना जाता है। इसके अलावा गन्ने की फसल के लिए जो वर्षा है वो भी अधिक होनी चाहिए, और वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर गन्ने की फसल के लिए आदर्श वर्षा मानी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि गन्ना की फसल उष्ण और आर्द्र प्रकार की दशाओं में उत्पन्न की जाती है, और जहां पर वर्षा की मात्रा काफी ज्यादा होती है वहां पर गन्ने की फसल होती है। लेकिन राजस्थान में चूंकि वर्षा की मात्रा काफी कम है, इसीलिए राजस्थान में गन्ना बहुत कम क्षेत्रों में ही पैदा किया जाता है। लेकिन जहां भी पैदा किया जाता है वहां मुख्य रूप से सिंचाई के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि राजस्थान के किन्हीं भी क्षेत्र ऐसे नहीं है जहां पर वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होती हो। तो राजस्थान में जिन क्षेत्रों में भी गन्ने की फसल उगाई जाती है वहां पानी की पूर्ति सिंचाई के माध्यम से ही की जाती है। और गन्ने की फसल के लिए यदि हम मिट्टी की बात करें, तो इसके लिए दोमट व चिकनी मिट्टी तथा लावा निर्मित जो मिट्टी होती है, जो कि पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ होती है, तो ऐसी उपजाऊ दोमट और लावा निर्मित मिट्टियां गन्ने की फसल उगाने के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से गन्ने के लिए ये भौगोलिक दशाएं थी। और गन्ना जो है आर्द्र जलवायु की दशाओं में, जहां वायुमंडल में नमी की मात्रा मौजूद होती है, वहां पर ज्यादा बेहतर क्वालिटी का उपजाया जाता है, क्योंकि उससे गन्ना में रस की मात्रा अधिक होती है। नमी की वजह से वहां गन्ने में रस की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि राजस्थान में शुष्कता वाली दशाएं हैं, इसीलिए राजस्थान में उगाए जाने वाला जो गन्ना है वो उतना रसदार नहीं होता जितना दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उगाए जाने वाले गन्ना की तुलना में राजस्थान में उगाए जाने वाला जो गन्ना है वो तुलनात्मक रूप से कम रस वाला होता है या अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है। अब हम बात करें कि गन्ने का उत्पादन और वितरण राजस्थान में कहां पर है, मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गन्ने की फसल उगाई जाती है। तो उत्पादन की हम बात करें, तो यहां 2015-16 के आंकड़े दिए हुए हैं। तो 2015-16 में गन्ने का कुल उत्पादन राजस्थान में 5.31 लाख टन हुआ। तो इतना जो है गन्ना राजस्थान में 2015-16 के साल में उत्पादित किया गया। और इसका जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो बूंदी,
सर्वाधिक अर्थात सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन बूंदी जिले में किया जाता है, और बूंदी के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी राजस्थान का गंगानगर जो जिला है, ये राजस्थान में गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां मुख्य रूप से गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में ज्यादातर जो गन्ना है वो इन्हीं चार जिलों में उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गन्ने के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी प्रमुख व्यापारिक फसल कपास के बारे में, और कपास ये भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, और कपास की जो दशाएं हैं वो राजस्थान में उपयुक्त स्थिति में है, इसीलिए राजस्थान में काफी क्षेत्र पर कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ हम कपास की भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, अर्थात गर्म जलवायु का पौधा है, जिसके लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है, और राजस्थान में उष्णकटिबंधीय दशाएं या उपोष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए राजस्थान में तापमान संबंधी जो दशाएं हैं वो कपास के लिए आदर्श हैं, और कपास के लिए जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है कपास की फसल उत्पादन के लिए। और यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, कपास की फसल उगाने के लिए वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और राजस्थान में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र या फिर जो क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले हैं वहां पर सिंचाई के द्वारा जल की आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाती है, और इस प्रकार से सिंचाई के माध्यम से और वर्षा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर दोनों ही स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए मृदा की हम बात करें तो कपास के लिए चिकनी व काली मिट्टी जो कि उपजाऊ होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और हम विशेष रूप से कहेंगे जो काली मिट्टी है तो काली मिट्टी तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास के लिए सबसे ज्यादा उत्तम जो मिट्टी है वो काली मिट्टी ही मानी जाती है, जो कि लावा निर्मित होती है। और इस प्रकार से ये कपास के लिए भौगोलिक दशाएं हैं, और कपास के लिए जब कपास के पौधे पर फूल खिलते हैं, डोरियां खिलती हैं, तो उस समय कपास की डोरियों को चमकदार बनाने के लिए आकाश बिल्कुल स्वच्छ और चमकदार तेज धूप होनी चाहिए। तो ये कपास की फसल के लिए आदर्श दशाएं हैं कि कपास की फसल के लिए डोरी खिलने के समय काफी लंबा समय चमकदार तेज धूप वाला होना चाहिए, और राजस्थान में ऐसी दशाएं पाई जाती हैं जहां काफी लंबे समय तक खूब चमकदार धूप निकलती है, फलस्वरूप राजस्थान में उत्पादित होने वाली जो कपास है उस कपास के रेशे में चमक काफी अच्छी होती है। अब हम बात करें राजस्थान में कपास का उत्पादन और वितरण कहां कहां पर है, तो उत्पादन में 2015-16 की हम बात करें तो 2015-16 में राजस्थान में 121 लाख गांठें कपास की उत्पादित की गई थी, और कपास का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाली और अलवर, ये प्रमुख जिले हैं जहां पर राजस्थान में कपास का उत्पादन किया जाता है, और उसमें बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर ये तीनों ही नहरी सिंचाई के क्षेत्र हैं, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और इन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से ही कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। वहीं जो अलवर है, अलवर में भी भूमिगत जल स्रोतों के द्वारा सिंचाई के माध्यम से कपास की फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से खरीफ सीजन में किया जाता है। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से होता है, इसके बाद में फिर बीकानेर, पाली और अलवर जिलों का स्थान है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये कपास की प्रमुख भौगोलिक दशाएं, प्रमुख आदर्श दशाएं और उसका उत्पादन और वितरण था। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जो जानकारी है वो सही समझ में आई होगी, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।